नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार .in से आप सभी का स्वागत करती हूँ कोल्हान प्रमंडल के साप्ताहिक न्यूज डायरी में। चलिए नजर डालते हैं तमाम उन बड़ी खबरों पर जो कि सप्ताह भर सुर्खियों में रही। सबसे पहले नजर डालते हैं क्राइम पर। MGM थाना क्षेत्र के अंतर्गत 11,20,000 रुपए की लूट की झूठी घटना की कहानी सुनाने वाले मामले का उद्भेदन हुआ है। दरअसल राकेश दास नामक युवक ने 11,20,000 रुपए के लूट की झूठी घटना की कहानी पुलिस को जा सुनाई थी। उसने अपने बड़े भाई और दोस्त से रुपए कर्ज ले रखे थे और अब जब उसके ऊपर रुपए लौटाने का दबाव बन रहा था तो उसने पूरे मामले की झूठी कहानी बताते हुए पुलिस को जा सुनाई। और अब जब मामले का उद्भेदन हुआ है तो पुलिस उस व्यक्ति के ऊपर केस के मूड में है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पूर्व रेलवे ठेकेदार उपेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में आर्म्स एक्ट के तहत हुई सुनवाई की। आर्म्स एक्ट के तहत सुनवाई करते हुए उपेंद्र सिंह के शूटर मोगली सिंह एवं सोनू सिंह दोनों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि पूरे मामले में कोर्ट के बाहर मौजूद हरीश सिंह को साक्ष्य के अभाव में आर्म्स एक्ट से बरी कर दिया गया है। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बहरागोला की, जहां अंचल निरीक्षक को 5,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों ACB की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अंचल निरीक्षक ने जमीन जमाबंदी के लिए एक व्यक्ति से 30,000 रुपए की घूस की मांग की थी। इस मामले की शिकायत तो उस व्यक्ति ने ACB की टीम से जाकर दी और 30,000 रुपए की पहली किश्त यानी कि 5,000 रुपए जब वह व्यक्ति अंचल निरीक्षक को दे रहा था तो उस वक्त ACB की टीम ने रंगे हाथों अंचल निरीक्षक को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं चांडिल की, जहाँ लगातार 2 माह से बंदूक की नकली नोक पर आधे दर्जन से भी अधिक लोगों को लूट की घटना को अंजाम दे चुके गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। ये गिरोह लगातार आधा दर्जन से भी अधिक लोगों को नकली बंदूक दिखाते हुए लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। आगे हम बात करते हैं परसुडी की, जहां खेत से लौट रहे युवती के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में एक नामजात तथा 5 अन्य के खिलाफ कार्रवाई दर्ज की है और मामला दर्ज किया गया है और पुलिस लगातार इसकी जांच में है। अब हम आगे बात करते हैं जमशेदपुर पुलिस की, जो कि लगातार ब्राउन शुगर की खरीद और बिक्री पर अपनी नकेल कसने की तैयारी में है। तो इस पर कार्रवाई करते हुए कदमा पुलिस ने 5 युवकों के गिरोह को ब्राउन शुगर की बिक्री करते साथ गिरफ्तार किया है। मिली सूचना के आधार पर घटनास्थल से 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि टीम का मुखिया वहां से भागने में उस वक्त कामयाब हो चुका था। आसिफ अली को, टीम के मुखिया आसिफ अली को पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर। अन्य खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जमशेदपुर में लगातार नक्शा विचलन कर बन रहे भवनों पर तेज होती कार्रवाई को लेकर, इसे लेकर निकाय प्रशासन काफी सख्त रवैया अपना रही है और इसी के जद में जुगसलाई नगर पार्षद क्षेत्र में नक्शा विचलन कर बन रहे भवन को कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर सील कर दिया गया है। इसी तरह कार्रवाई लगातार तेज है इसके ऊपर और इससे पहले भी कई तरह के भवनों को सील किया जा चुका है। खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चाईबासा रेलवे फाटक के समीप बन रहे ओवरब्रिज की, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आकर किया। आपको बता दें कि यह पुल 35 करोड़ की लागत से बन रही है, ओवरब्रिज 35 करोड़ की लागत से बन रहा है और इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने 55 अन्य योजनाओं का पश्चिमी सिंहभूम में शिलान्यास भी किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोबाइल वैक्सीनेशन की, जो कि पूर्वी सिंहभूम में लगातार 10 दिनों से बंद है। इसके पीछे की वजह वैक्सीनेशन की कमी बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की थी और प्रतिदिन 100 लोगों का वैक्सीनेशन इससे होता था और जो व्यक्ति वैक्सीनेशन सेंटर में जाने में असमर्थ महसूस करते थे उनका वैक्सीनेशन उनके घर आकर वैक्सीनेशन वैन से किया जाता था, परंतु फिलहाल 10 दिनों से यह सेवा बाधित है। अब हम इस न्यूज डायरी में हम बात करते हैं आखिरी खबर की, जो कि आ रही है जैक की तरफ से। दरअसल जैक ने शुक्रवार को 12वीं का
रिजल्ट जारी किया, जिसे लेकर जमशेदपुर के दो कॉलेज वर्कर्स कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज में काफ़ी हंगामा किया गया। दरअसल जैक के द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में बहुत से विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए हैं। उनका आरोप है कि गलत नंबर डालने की वजह से उन्हें फेल कर दिया गया है और वो लगातार इसे लेकर अपना आंदोलन तेज कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जैक नंबरों के सिस्टम में सुधार करें। आज की न्यूज़ डायरी में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए lagatar.in के साथ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे lagatar.in के साथ।